हेलो एवरीवन, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्क्वायर ट्रिक। तो ये जो स्क्वायर ट्रिक है, और जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ये स्क्वायर्स आता है। तो ये जो हमारी ट्रिक है, ये हम स्क्वायर ट्रिक करने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 25 to 100 तक का करेंगे, ठीक है। यानी कि 100 तक का तो सबको पता ही है, और 1 to 25 आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगा। यानी कि 1 to 25 मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक नहीं होती, यानी कि 1 to 25 के लिए आपको कहीं भी इसकी ट्रिक नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 to 25 हमें याद करना पड़ता है। 25 to 99 यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 26 to 99 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसकी ट्रिक्स हमारे पास है, यानी कि मेरे पास है, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके दो ग्रुप्स होते हैं। तो पहला ग्रुप होता है 26 to 74 के स्क्वायर्स, एंड सेकंड ग्रुप होता है 75 to 99 तक के स्क्वायर्स। तो सबसे पहले तो हम ग्रुप टू करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रुप वन पे जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव ऑन टू ग्रुप टू, देन ग्रुप वन, ओके। तो ग्रुप टू यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पे जो ग्रुप टू है वो कौन सा है, 75 to 99। यानी कि इधर जो ग्रुप टू है वो 75 to 99 है। तो अब इधर ये जो ग्रुप टू है, इसका सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहे थे कि हमें 92 का स्क्वायर निकालना, 92 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 92 into 99 कर देंगे। तो 92 into 99 हमें नहीं करना है, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो हम गलत प्रोसेस ना करें, इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, यानी कि एक ट्रिक का। तो वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अभी इधर, ओके। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्क्वायर ऑफ 92, स्क्वायर ऑफ 92। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 100, यानी कि जो 92 है, तो जो ग्रुप टू है उसका एक बेसिक नंबर है। बेसिक नंबर क्या है इसका, एक 100 है। तो इस बेसिक नंबर में से, यानी कि हर नंबर के लिए, यानी कि जो ग्रुप टू के अंदर जितने भी नंबर आते हैं, अगर आपको पूछ दिया जाए कि 76, 75, 75, then 84, ये जितने भी आपके नंबर है A to Z, 75 to 99, इनमें से अगर आपका किसी का भी पूछा जाए कि इनका स्क्वायर बताओ इसके बीच में से, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 100 में से आपने माइनस करना है उस नंबर को। तो उस नंबर को माइनस करके मेरा, यानी कि 100 में से मैंने 92 को माइनस कर दिया, मैंने गलत तरीके से लिखा है। अब मेरा क्या आया, 8, क्या आया मेरा 8। तो जब ये 8 आया, तो मैंने क्या बोला था कि 1 to 25 आपने याद करना है। तो अब 8 का स्क्वायर तो सबको पता ही है, 64। अब ये जो 64 है, इसको आप अपने अदर हैंड, यानी कि दूसरे साइड आपने इसको लिख देना है। फिर ये जो 92 था, जो नंबर था, उसमें से 8 माइनस करना है। अब आप सोच रहे हो कि 8 कहाँ से आया, 8 वही है जिसमें से हमने 100 में से 92 माइनस किए थे, तो 8 आया था। तो वही 8 थर्ड स्टेप में हम 92 में से माइनस कर देंगे, 92 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, 84। बस यहीं तक थे, यानी कि 3 स्टेप्स थे, फोर्थ स्टेप हमारा आंसर वाला है। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, 84 को पहले लिखेंगे और 64 को बाद में। तो 8464 ये हमारा स्क्वायर है। तो कितनी जल्दी निकल गया ये आप सब देख सकते हैं। एंड तो यही हमारा आंसर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 86 का स्क्वायर। 86 का स्क्वायर भी एज इट इज़ सेम है, सारे स्टेप भी सेम है, कुछ ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो यहाँ पे भी मैंने 100 एक बेसिक नंबर ले लिया है, और उसमें से 86 माइनस कर दिया है। तो अब 86 माइनस करने के बाद मेरा क्या आया, 14 आया। मेरा क्या आया, 14 आया। तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि इधर आप लिख लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए अपने इन स्क्वायर्स को। तो 14 into 14 क्या होता है, 196 होता है। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है 196।
अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट आया है। इधर तो जब हमने स्क्वायर किया, ठीक है, इधर तो जब हमने स्क्वायर किया तब ये क्या था, 84 था, यानी कि 2 डिजिट नंबर था। इधर क्या है, इधर 3 डिजिट्स है। क्या है, 3 डिजिट्स है। क्या है, 3 डिजिट्स है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे 2 डिजिट बनाना है। तो 2 डिजिट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला जो नंबर है उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो हमारे थर्ड स्टेप था, एज इट इज़ हम लोग पहले कर देंगे। 86 में से मैंने 14 माइनस कर दिया, 72 आया। अब ये जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, इस 72 में जो कैरी फॉरवर्ड 1 वाला था ये चीज़, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 73। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 73 था इधर जो आया, इसको हम 73 और जो 96 था, ये 96 ही बच गया ना इसके कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, तो ये 96 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर निकल गया, किसका, 86 का। 92 का भी निकल गया है, इधर 92 और इधर 86 का। तो अब हम करेंगे ग्रुप 1। तो ये तो हमारे कुछ 2 क्वेश्चंस थे, आप मोर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो मैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको कमेंट सेक्शन में मैं आपको डाल दूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकती हूँ। तो ये जो है ये मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन विद नंबर्स ऑफ नाइन्स। तो ये तो मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो में करा चुकी हूँ, तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो हम नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कराने वाली हूँ तो ये मैं नहीं कराऊँगी अभी, क्योंकि ये मैं करा चुकी हूँ। क्या करा चुकी हूँ, नाइन्स वाला। आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो वो मल्टीप्लिकेशन विद नंबर ऑफ नाइन्स था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 कौन कौन सा था, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो ग्रुप नंबर जो 2 था वो कहाँ से लेके कहाँ तक था, 26 to 74। अब जो हमने पीछे किया वो कहाँ कहाँ तक था, 75 to 99। अब जो हम करेंगे वो क्या होगा, 26 to 74। तो अब हम देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, यानी कि कुछ नंबर्स लेते हैं इन के बीच में, इन बिटवीन हम कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 64, 56, 70 and 42। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ना। अब हमें एक जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें हमें 2 बेसिक नंबर्स लेने हैं, एक तो 50 और एक 25। तो ये हमारे 2 बेसिक नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जितने भी अगर हमें नंबर्स दिए हों, यानी कि स्क्वायर ऑफ 66, चलो 64 ही ले लेते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि स्क्वायर ऑफ 64 हमें बताइए, तो क्या होगा, हम इसको 50 के अनुसार लिखेंगे, यानी कि 50 + 14 = 64, 50 + 6 = 56, 50 + 20 = 70, 50 - 8 = 42। तो ये माइनस वाला केस हम बाद में करेंगे, तो हम प्लस वाले देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं। 57 होता तो 50 + 7, ठीक है, तो हम इसको उस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें 50 के अनुसार इसे लिखना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उसी नंबर को ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो था बेस, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो कुछ ऐसा ही है। तो स्क्वायर ऑफ जो 66 है, सेम एज इट इज़, हमें सबसे पहले क्या करना है, 66 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसका एक बेसिक होगा जो कि होगा 25। क्या होगा, 25। तो अब ये जो 25 है इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारा 50 वाला जो बेसिक नंबर था वो तो यूज़ हो चुका है, अब हम 25 वाला बेसिक नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 50 को अब हटा दीजिए और 25 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो जो एज इट इज़ था वो तो सेम नंबर है। अब यहाँ पे बस 25 लिखना है आपको, 50 को हटा के 25 लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 16 है तो 16। तो 25 + 16 क्या हो गया, ये हो गया 41। क्या हो गया, 41। अब हमें क्या करना है कि जो 16 था उसका अब हमें स्क्वायर निकालना है। ये हमारा 41 आ गया, अब हमें 16 का स्क्वायर निकालना है, जिसको हमने प्लस किया उसको हमको
उसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 डिजिट का है तो 2 डिजिट का बनाना है, तो इसीलिए हमें ये 2 को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, 56 को एज इट इज़ रहने देना होगा। तो 41 प्लस 2 कितना हो गया 43, तो 43 56, 4 3 5 6 ये हमारा आंसर है। बहुत ईजी था, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, उसमें उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ 34, स्क्वायर ऑफ 34। तो स्टेप वन हमारा क्या है कि जो 34 है उसको उस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 50 के साथ उसको लिखना है, यानी कि 50 में से हम कितना माइनस करेंगे फिर कितना ऐड करेंगे कि 34 आ जाएगा। तो हम माइनस करेंगे 16 को, ठीक है। अब ये जो 16 है, अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, 256 आ गया भाई, 256 का 2 कैरी कर देंगे, 56 को एज इट इज़ रहने देंगे। अब 25 में से हमने 16 को माइनस किया तो 9 बचा, क्या बचा 9, यानी कि 09 लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, नो मैटर। अब ये जो हमारा कैरी फॉरवर्ड था उसको 9 में प्लस कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 11 को पहले 56 को बाद में, जो स्क्वायर हमने निकाला उसको बाद में, 11 को पहले। तो ये थी मेरी आज की ट्रिक, और आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोगों को ये सारे जो हैं स्क्वायर्स 1 to 25 आपको ये याद करने हैं। अगर आपने याद नहीं किया है तो इसे जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक है और ये आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे कुछ याद कर लिए हैं और 1 to 25, और आप लोग भी इसको याद कर लीजिए, आप इसे नेट से ढूंढ के भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये थी मेरी ट्रिक, यानी कि स्क्वायर ट्रिक। और ये मैंने क्या बताया, कितने ग्रुप्स बताएँ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कितना होता है 26 to 74, देन ग्रुप 2 में कितना होता है 75 to 99। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।